श्री बाबा रामदेव सर्व धर्म विकास समिति आजाद नगर कोटड़ा धाम में कोरोना के बाद धूमधाम से मनाया जाएगा 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन, जिसमें 28 अगस्त को फ्लोरेंस अपॉइंटमेंट के सामने मंदिर में विशाल जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें भजन पार्टी श्री देव म्यूजिकल ग्रुप की ओर से भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। 29 अगस्त सोमवार दूज के दिन बाबा का मेला एवं झंडारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें गांव से और जगह जगह से बाबा के झंडे आते हैं। मेले में झूलों की चाट पकौड़ी की व्यवस्था रहती है। मंदिर कमेटी की ओर से मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तैयारी कर लो, हर साल की बात है। इस वर्ष भी बाबा रामदेव मंदिर फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने सरपंचा कोटड़ा आजाद नगर में श्री बाबा रामदेव सर्वधर्म विकास समिति की अंतिम रूप से एक मेले की मीटिंग ली गई, जिसमें कल 28 अगस्त को होने वाले जागरण की तैयारी की गई, जिसमें हजारों की तादाद में पब्लिक जागरण में आएगी, जो रात की 9 बजे से जागरण शुरू होगा, जिसमें श्री देव म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी और परसों 29 अगस्त को बाबा का मेला भरा जाएगा, जिसमें विशेष रूप से गांव का झंडा और विभिन्न क्षेत्रों से झंडे चढ़ाए जाएंगे और 21 क्विंटल दूध का खीर का प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें मेले में चाट पकौड़ी की दुकानें, झूले, चक्री, खेल खिलौनों की इत्यादि की दुकानें लगी जाएगी। लाइट और पानी की व्यवस्था समुचित व्यवस्था की गई है। मेले में सुरक्षा गार्ड किए गए हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा जाब्ता मंगवाया गया है और ये मंदिर है जो काफी वर्षों पुराना बाबा का मंदिर है, जिसमें कोरोना के बाद में पहली बार ये अच्छा धार्मिक बढ़िया मेला भरेगा, जिसमें हजारों की तादाद में पब्लिक आएगी और ये मेला 2 दिवसीय मेला भरेगा। 5 सितंबर तेजादशमी के दिन श्री बाबा रामदेव मंदिर में 11,000 भक्तजनों का भंडारा किया जाएगा, जिसमें आप सभी शहरवासी और क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित है। कौन कौन रहेगा भजन संध्या के अंदर? भजन संध्या में श्री सुरेश सिंह रावत सिंगर और उनकी पार्टी मौजूद रहेगी, जो ये नसीराबाद की है देव म्यूजिकल ग्रुप। ये सारा आयोजन श्री बाबा रामदेव सर्वधर्म विकास समिति की ओर से किया जाता है। अच्छा, झंडा कहाँ से आएगा वैसे बाबा? झंडा गांव का झंडा एक दिन पहले 28 अगस्त को चढ़ाया जाएगा और 29 अगस्त दूज को बाबा के विभिन्न क्षेत्रों से झंडे चढ़ाए जाएंगे। कौन से गांव से आता है झंडा? कोटड़ा गांव से। अच्छा, ठीक है। आपका नाम और पता? सोन सिंह रावत, श्री बाबा रामदेव सर्वधर्म विकास समिति अध्यक्ष।